कभी लहराते लंबे बाल, कभी राजसी ठाट बाट वाला रौब, कभी स्टाइलिश लुक में किलर अंदाज, तो कभी राजनीति के मचे हुए खिलाड़ी वाला मिजाज। ये कोई हीरो नहीं, ना ही बॉलीवुड की किसी बड़ी हस्ती की संतान है। इनका नाम है महान आर्यमान सिंधिया। नाम सुनकर ही इनकी शख्सियत का अंदाजा लग गया होगा, समझ गए होंगे इनका पूरा तारुफ क्या है। जी हाँ, ये सिंधिया खानदान की नई सेंसेशन है। ये नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराय सिंधिया के पुत्र महान आर्यमान है। ग्वालियर राजघराने के महाराजा ज्योतिराय सिंधिया के पुत्र महान आर्यमान सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। ग्वालियर राजघराने के वारिस महान आर्यमान 25 साल के हो चुके हैं और राजनीति के गुर सीख रहे हैं। सत्रह नवंबर 1995 को जन्मे महान आर्यमान अपने पिता ज्योतिरादित्य को बाबा महाराज तो माँ को अम्मा महारानी कहकर बुलाते हैं। वहीं ग्वालियर की जनता उन्हें युवराज से संबोधित करती है। महान आर्यमान ने अपने पिता की तरह ही दून स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की। महान आर्यमान ने साल 2019 में अमेरिका की एल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया और MBA की डिग्री ली। 13 साल की उम्र से महान आर्यमान अपने पिता के चुनावी प्रचार में आते जाते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में वो खुलकर अपने पिता के चुनावी कार्यक्रमों में देखे गए हैं। लोगों के बीच रहते उनका पब्लिक कनेक्ट कमाल का है। जनता के बीच उनके कई अंदाज दिख जाते हैं। कभी वो लोगों के साथ क्रिकेट खेलते हैं, कभी अचानक से रुककर गरीबों से बात करते हैं, उनका दुख दर्द जानते हैं। महान आर्यमान ने साल 2020 में तब खूब सुर्खियां बटोरी थी जब उनके पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर BJP में शामिल होने का फैसला किया था। तब महान आर्यमान ने ट्वीट करके लिखा, अपने लिए ये स्टैंड लेने पर मुझे अपने पिता पर गर्व है। एक विरासत से इस्तीफा देने के लिए साहस चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा परिवार कभी सत्ता का भूखा नहीं रहा। हम भविष्य में देश और मध्य प्रदेश के प्रभावी बदलाव के लिए वादा करते हैं। कहा जाता है कि महान आर्यमान को राजनीति की ABCD की ट्रेनिंग खुद उनकी माँ प्रियदर्शनी राजे दे रही हैं। साथ ही कई मामलों में पिता से भी उन्हें राजनीति का ककहरा पढ़ने को मिलता रहता है। ऐसा कहा जाता है वो पिता के साथ एडवाइजर के रूप में जुड़े हैं। महान आर्यमान सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहते हैं। ट्विटर पर उनके 23,000 से ज़्यादा फॉलोअर हैं, जबकि वो खुद 55 लोग को ही फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम पर भी उनके 9,000 से ज़्यादा फॉलोअर हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे कि महान आर्यमान अगर एक अच्छे म्यूजिक लवर हैं तो शानदार कुक भी हैं। 25 मई 2020 को ईद पर सिंधिया खानदान के राजकुमार ने अपनी एक तस्वीर ट्वीट की और लिखा, ईद मुबारक। आज इस मौके पर मैंने उन लोगों के लिए समय निकाला जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान हमारी देखभाल की। घर में स्टाफ के लिए बिरयानी बनाई है, कुछ समय निकालो और लोगों के लिए कुछ करो जो हर दिन तुम्हारी देखभाल करते हैं। महान आर्यमान जब भी ग्वालियर में होते हैं तो जयविलास पैलेस में रहते हैं। ये महल सन 1874 में यूरोपियन शैली से बना है। कहा जाता है इस महल में कुल 400 कमरे हैं और महल की छतों पर सोना जड़ा है। हालांकि इसके 40 कमरों में अब म्यूजियम बन चुका है। इस पैलेस में रॉयल दरबार हॉल भी है। ये हॉल 100 फीट लंबा, 50 फीट चौड़ा और 41 फीट ऊँचा है। तो ऐसी कहानी है ग्वालियर राजघराने की चिराग की।